दोस्तों संस्कृत के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द सीखना चाहते हैं और संस्कृत में बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको काफ़ी मदद करेंगे। पहला वर्ड है सुप्रभातम, मतलब सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपको संस्कृत में अगर बोलना है तो सुप्रभातम। मिलामा मतलब फिर मिलेंगे, सी यू। अब आप इंग्लिश में बोलते हैं गुड नाइट, हिंदी में बोलेंगे शुभ रात्रि, तो संस्कृत में बोलेंगे शुभ रात्रि है। श्रीमान को श्रीमान ही बोलेंगे। क्षम्यता मतलब क्षमा कीजिए, सॉरी बोलते हैं आप इंग्लिश में, हिंदी में क्षमा कीजिए। चिंता मास्तु, चिंता नहीं, डोंट केयर। धन्यवाद, आभार, थैंक यू। स्वागतम, स्वागत हो, वेलकम। उत्तमम मतलब उत्तम, अच्छा, गुड। आगच्छत मतलब आइए। विसत मतलब बैठिए। अपि कुशलम मतलब सब कुशल है, इज एवरीथिंग फाइन, अपि कुशलम। वो ये क्वेश्चन की तरफ पूछते हैं। और अगर सर्व कुशलम आंसर, हाँ सब कुशल भैया, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, यस। कह मतलब विशेषा, कह विशेषा मतलब क्या विशेष, व्हाट इज स्पेशल, ऐसा लोग बोलते हैं ना। कथयत मतलब कहिए, प्लीज टेल। चिरात आगमनम, लोग कहते ना बहुत दिन बाद आए, तो चिरात आगमनम। पुनः आगच्छत फिर आना। अस्तु नमस्कार, ठीक है नमस्कार। जानामि भो पता है रे। माँ विस्मरत भूलना मत, डोंट फॉरगेट है। कथम अस्ति कैसे हो। सर्वथा मास्तु बिल्कुल नहीं। भवतु ठीक है, तथापि फिर भी। स्मृत खलु ध्यान में है ना, डू रिमेम्बर। मौन में उच्चतम चुप रहना ही ठीक है। यथेष्टम अस्ति भरपूर है, खूब मात्रा में। भीत मास्तु घबराइए मत, डोंट वरी। अग्रे गच्छतु आगे आइए। समाप्तम मतलब समाप्त, एंड। तदंतरम मतलब बाद में, लेटर। भवानुभवति कुतः अगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्राम। अहम विद्यालयतः आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्राम स्कूल। भवान कुत्र गच्छत, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। अहम गृहं गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम। अध्ययन कथम प्रचलित, पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ योर स्टडी गोइंग। सम्यक प्रचलित, अच्छी चल रही है, इट्स गुड गोइंग। कार्यम कथम प्रचलित, काम कैसा चल रहा है, हाउ इज वर्क इज गोइंग ऑन। यथा पूर्वम हमेशा की तरह। मुखम क्षालितम किम, मुँह धोया क्या। मुखम क्षालितम दुग्धम ददातु, मुँह धो लिया, दूध देना प्लीज। आस्त स्वीकरोत, ठीक है लो। दुग्धम पीतो पठामी, दूध पीकर पढ़ाई करता है। अहम प्रथमम स्नानम करूँगी, माँ मैं पहले स्नान करूँगा। मास्तु सह सा करोति, नहीं उसे करने दो। अम्ब विचभा भवति, माँ भूख लगी है,
मदर आई एम हंग्री भवत स्नानम कृत्वा शीघ्रम आगच्छत। ठीक है मैं स्नान करके जल्दी आ जा आ जा आ जा। भोजनम सिद्धम किम भोजन तैयार है क्या इस फूड रेडी। विद्यालस्य विलंबा भवति पाठशाला में देरी हो रही है। आई एम बीइंग लेट टू गो स्कूल और गोइंग टू स्कूल। सिद्धमेव तैयार ही है। अम्ब मम यत्कम कुत्र माँ मेरा कुर्ता कहाँ है। नागदंते स्यात पस्य खूंटी पर होगा देख लो खूंटी जहाँ पे हैंगर टांगते हैं ना। अम्ब अहम विद्यालय गच्छामि मैं माँ मैं पाठशाला जाता हूँ। समय अस्ति अनंतरम गच्छ समय है बाद में जा अभी देयर इज टाइम यू कैन गो लेटर। ना विलंबा अभवत नहीं देर हो गई। नो इट्स टू लेट आगमन समय जागरूक भव आते समय सावधानी रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड्स संस्कृत के उसका हिंदी में बताने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप संस्कृत धीरे धीरे बोलने का अगर अभ्यास शुरू करेंगे तो आपको संस्कृत आना शुरू हो जाएगा लेकिन जब तक कोई चीज़ आप बोलेंगे नहीं जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे बराबर से तब तक आपको संस्कृत नहीं आ सकती। कोई भी चीज़ में प्रैक्टिस इज मस्ट बिना प्रैक्टिस के आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी। संस्कृत प्रैक्टिस का ही मैटर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और परफेक्टनेस भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी संस्कृत में याद कर रहे हैं कितना भी याद कर रहे हैं उसको पक्का याद कीजिए बहुत जल्दी आगे मत भागिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपके माइंड में उतना ही बैठेगा वो चीज़। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 6 लाख व्यू हमारे चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं साथ में 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। 7000 सब्सक्राइबर टच होने वाले हमारे चैनल पे। ये सब आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से ही संभव हो पाया है। हम एक प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ अपने चैनल में कुछ ना कुछ देने की चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो एजुकेशन हो और जितना भी हमको पता है हम अपने चैनल के थ्रू शेयर करते हैं नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। आप लोग भी नई नई चीज़ें सीखते रहिए पूरी ज़िंदगी सीखने में ही सीखते रहना चाहिए तभी आपका आप आने वाली चीज़ों से अपडेट रहेंगे। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हैं जिससे कि क्या होता है कि आपको ईमेल नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा नया वीडियो आया है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन का जिससे आपके नए वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने ग्रुप में भी जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो शेयर करते रहिए जिससे औरों को भी इन वीडियोस का इंफॉर्मेशंस का लाभ मिल सके। हमारे चैनल में कई तरीके के सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं उसमें से संस्कृत लर्निंग हिंदी लर्निंग कंप्यूटर लर्निंग और प्रोफेशनल्स के लिए जो आईटी में काम करते हैं ईआरपी में काम करते हैं ईआरपी रिलेटेड भी बहुत सारा मटेरियल हमारे वीडियोस में हैं। उसके साथ साथ जो फेस्टिवल्स आते हैं उसका भी विशिंग कार्ड्स हम अपने चैनल के थ्रू अपलोड करते हैं। तो ये कोई एक सब्जेक्ट पे हमारा चैनल नहीं चलता है मिक्स ऑफ सब्जेक्ट पे चलता है। और हमने इसमें प्ले ग्रुप भी बनाए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के प्ले ग्रुप में आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे और देख सकते हैं कि सब सब्जेक्ट के अलग अलग प्ले ग्रुप बने हुए आप उन प्ले ग्रुप में जाके अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वीडियोस
रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। और आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।